सिद्धार्थ शुक्ला इन दोनों शहनाज गिल के फ्लिप मारने को लेकर उनका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं और कहते हुए नजर आते हैं कि उनका तो किसी से भी प्यार हो जाता है और वो किसी के साथ भी रह सकती है। एक बार फिर से ही वही माहौल देखने को मिला जब सिद्धार्थ शुक्ला देवोलीना भट्टाचार्य के सामने शहनाज का मजाक बनाते हुए दिखे। दरअसल शहनाज देवो से पूछती है कि एक बात बता, मैं कार्तिक के साथ ज्यादा अच्छी लगती हूँ या फिर गौतम गुलाटी के साथ? तो देवोलीना ने कहा कि मुझे लगा कि तू गौतम गुलाटी के साथ ज्यादा अच्छी लगती है। इस पर शहनाज ने कहा, क्या सच में? देवोलीना ने कहा कि हाँ, और उस दिन जब वो था ना, बेचारा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। शहनाज ने कहा, क्या सच में? सिद्धार्थ ने कहा कि हाँ यार, उसको बेचारे को इतना ज्यादा डर लग रहा था कि उसे नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा सेक्सी है कि कोई लड़की इस तरीके से उसके ऊपर कूद जाएगी, और वो भी ऐसी लड़की, मतलब उनका साइज से था। यहाँ पर शहनाज ने कहा कि हाँ सच में। इस पर सिद्धार्थ ने कहा कि उसका सबके साथ चलता है, उसका सिद्धार्थ के साथ भी जोड़ी अच्छी लगती है, पारस के साथ भी, आसिम के साथ भी, कार्तिक के साथ भी, सबके साथ उसकी जोड़ी अच्छी लगती है, कुछ लोगों को इग्नोर भी कर देती है। इसका पता क्या है, एक स्लॉट में ये, एक स्लॉट में वो, इसका सबके साथ मन लगता है, सबसे इसको बात करनी होती है, क्योंकि किसी का दिल नहीं तोड़ सकती ना। शहनाज है नहीं, बहुत प्यारी है ना, और सबको प्यार करती है, इसलिए इसने सबका अलग अलग स्लॉट बना के रखा है, एक स्लॉट में ये, दूसरे स्लॉट में ये, तीसरे स्लॉट में ये। इस पर शहनाज ने कहा कि सिद्धार्थ तू ऐसा मत कर, फालतू की बेइज्जती मत कर। इस पर सिद्धार्थ ने कहा कि काय की बेइज्जती, ये तो तेरी पूंजी है यार, तूने कमाया यहाँ पे। अब अगर मैं तेरी बाहर की लाइफ को लेकर कुछ बोलता तो बात अलग होती, वैसे भी मैं जानता तो हूँ नहीं, जो मैंने यहाँ देखा है यहाँ पे चीजें हैं वही बताता हूँ। इस पर शहनाज ने कहा कि सिद्धार्थ बहुत हो गया है। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।